नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। केरल में मॉनसून की दस्तक, भारी बारिश से एक की मौत। मॉनसून ने बुधवार को केरल में दस्तक दे दी। यहां भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख के संतोष ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल और लक्षद्वीप में आ गया है। राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले 9 जून को मॉनसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई थी। इस बीच पुलिस ने बताया कि बुधवार तड़के वजवारा में भारी बारिश की वजह से SFI के पूर्व इडुक्की जिला अध्यक्ष जोबी जॉन के घर पर चट्टान और मिट्टी गिरने से उनकी मौत हो गई। लोगों को पहाड़ी सड़कों पर रात के दौरान सफर करने से परहेज करने की भी सलाह दी गई है। मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विकास का नया इंजन बनने को तैयार। भारत जैसे देशों की वस्तु एवं सेवाओं के लिए विकसित देशों से बाजार खोलने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वृद्धि के नए इंजन के रूप में वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान देने को तैयार है। मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद के सालाना समारोह में अमेरिकी कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जबकि विश्व को वृद्धि के नए इंजन की जरूरत है। अच्छा होगा कि नया इंजन लोकतांत्रिक इंजन हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत वैश्विक वृद्धि में नए इंजन की भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। विस्तृत भारतीय अर्थव्यवस्था से विश्व को अनेक फायदे हैं। चीन में लड़ाकू विमान ने अमेरिकी जासूसी विमान का किया पीछा। चीन के एक लड़ाकू विमान ने मंगलवार को पूर्वी चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में अमेरिका के एक टोही विमान का असुरक्षित ढंग से पीछा किया। ये जानकारी बुधवार को अमेरिका के प्रशांत कमान ने दी। कमान के अनुसार अमेरिकी वायुसेना के RC-135 टोही विमान का पीछा करने में चीन के 2 Jet-10 लड़ाकू विमान शामिल थे। इनमें से एक चीनी विमान अपनी उड़ान का अभ्यास करते असुरक्षित ढंग से अमेरिकी विमान के निकट आ गया। शुरुआती आकलन में इसे भड़काऊ न मानकर अनुचित उड़ान का मामला पाया गया। प्रशांत कमान ने ये नहीं बताया कि चीन का विमान अमेरिकी विमान के कितने निकट आया था। अमित शाह के बयान पर भड़के वकील, कहा यूपी में सपना नहीं होगा पूरा। भाजपा की 12 जून से शुरू हो रही राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता बताए जाने पर यहां के वकील भड़क गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने शाह के बयान की निंदा की और कहा कि ये न्याय प्रक्रिया को कमजोर करने की गहरी साजिश है। वकीलों ने कहा कि न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। वकीलों के आक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जून को यहां आने के मद्देनजर प्रशासन को और चौकस व्यवस्था करनी पड़ रही है। शाह ने गत 6 जून को आगरा के वकीलों को आश्वासन दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। साल 2017 तक यदि पीठ स्थापित नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर पीठ की स्थापना की जाएगी। मोदी ने मोह लिया अमेरिकी सांसदों का मन। भारत और अमेरिका के बीच नए तरह के सामंजस्य को प्रदर्शित करते हुए शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और ये भी रेखांकित किया कि द्विपक्षीय संबंध नए चरण में प्रवेश कर गए हैं। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के वार्षिक समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा अपना संबोधन खत्म करते ही तकरीबन एक दर्जन से अधिक सांसदों ने इस बारे में बात की और उनसे मिलने के लिए मंच पर आ गए। इसके बाद उन्होंने पेलोसी, मकेन और अन्य के साथ रात्रि भोज किया। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में मोदी के संबोधन को लेकर आशान्वित मकेन के प्रधानमंत्री ने नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में सुधारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है कि क्षेत्र में तनाव और चुनौतियां हैं जिसके लिए भारत एवं अमेरिका के बीच और बेहतर समन्वय और सहयोग की जरूरत है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।